नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। सिकंदरपुर बलिया में स्वर्गीय जगन्नाथ राय के तीसरी पुण्यतिथि पर भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन समारोह किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा तथा विशिष्ट अतिथि नवनीत सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक उत्तर प्रदेश थे। वहीं अतिथियों में पूर्व मंत्री राजधारी सिंह, पूर्व विधायक भगवान पाठक, विनोद तिवारी तथा रंजन सहाय रहे, और इस अवसर पर आयोजनकर्ता आनंद राय द्वारा मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा दर्जनों गरीबों में कंबल वितरित किया गया, और इस अवसर पर ज्योति राय, नीरज राय, अमित राय, कृष्ण मोहन राय, सुरेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अध्यक्षता अरविंद राय तथा संचालन अली अहमद संगम ने किया। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद की रिपोर्ट। सर, अपने पहले परिचय बताएं। मेरा नाम प्रिय रंजन सहाय है, मैं स्वर्गीय श्रीनाथ सहाय उनका पुत्र हूँ। मैं ग्राम बगुड़ी का निवासी हूँ। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज जो है यहाँ पर स्वर्गीय सरपंच साहब के नाम से जो हैं जगन्नाथ राय साहब, उनके स्मृति में हर वर्ष यहाँ पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जी। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, उसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जी। हमारे पिताजी का यहाँ के से काफ़ी संपर्क रहा है, जुड़ाव रहा है, और उनके जगन्नाथ राय साहब के काफ़ी जो है वो मित्र थे। 2 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो गया था 8 दिसंबर को, तो इस पुण्यतिथि के साथ उनके भी पुण्यतिथि जो है उनका भी जो है वो मनाया गया जी। और इस वजह से जो है ये कार्यक्रम जो है वो 2 कार्यक्रम के बराबर आप उसको मान सकते हैं। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? किसका? युवाओं के लिए संदेश क्या होगा सर? युवाओं के लिए मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, युवा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, युवाओं का संदेश यही है कि धरती से जुड़े रहिए, माता पिता का जो है अभिवादन करिए और उनकी सेवा करते रहिए। जब तक जिंदा है तब तक जो है बात अलग है, मृत्यु के पश्चात उनका जो शून्य उत्पन्न होता है उस शून्य की जो है कोई परिभाषा नहीं होती है। शून्य की न त्रिज्या होती है, न व्यास होता है, न परिधि होती है, और उसके बाद उससे बाहर निकलना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। उसको हम लोग है परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं उनके जीवन काल में। तो मेरा यही संदेश है युवाओं को कि कृपया समय का ध्यान रखते हुए उनकी सेवा करिए, और बाद में आपको किसी तरह का कोई वो पछतावा न रहे और दूसरों के लिए भी आप आदर्श स्थापित कर सकें। धन्यवाद। चूँकि एक सम्मानित व्यक्ति के क्षेत्र सर, श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सब क्षेत्रवासियों का संदेश देना चाहेंगे जी? युवकों को संदेश देना चाहेंगे, जो राय परिवार, नीरज राय, आनंद राय जी, जिस तरह जो है अपने पिता की उनको जिंदा रखना चाहते हैं, समाज में उनका जो नाम रखना चाहते हैं, आज के युवा पीढ़ी भी उसी पद चिन्हों पर चले और अपने माँ बाप की सेवा करें जहाँ तक हो सके। माँ बाप को जो है अपना जो भी जिनके माँ बाप नहीं है उनका भी स्थान जो है समाज में बनाने का स्थान बनाने जो है। अभिभावकों से क्या अपील होगा एक कार्यक्रम के माध्यम से? अभिभावकों से मेरा अपील यही होगा, उनसे मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार जो है राय साहब ने अपनी जो छवि छोड़ी है समाज में, अपना व्यक्तित्व छोड़ा है, यहाँ के लोग भी उसी तरह का व्यक्तित्व छोड़ें। गांव में जिस तरह झगड़ा फसाद, राय साहब की देन थी कि कभी भी गांव में जो है झगड़ा फसाद नहीं होता था। बड़े बड़े मामलों को वो अदालत तक जो है थाने तक नहीं जाने देते थे, अपने स्तर से उसका निपटारा कर देते थे। यहाँ के हमारे अभिभावकों से मेरा निवेदन है, उनसे मेरी ये सोच है, उनसे मेरा आग्रह है, वो भी इसी तरह का सीख लें और जो भी ये थाने और न्यायालय का चक्कर हो उसको अपने स्तर तक समाप्त करके जो है ये करें। धन्यवाद सर। सर, कार्यक्रम के चूँकि विशेष अतिथि रहे सर जी, सर कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रवासियों को हमारा संदेश क्या देना चाहेंगे सर? क्या उसका उद्देश्य क्या है? आज की जो नई पीढ़ी है जी, वो सिर्फ दिखावे की जिंदगी न जिए जी। जितनी भी बातें आज यहाँ हुई तो सोचेंगे कि लाइए आज हम भी एक गिलास पानी पिलाते हैं, पूछते हैं, ऐसा न करें, दिल से अनुकरण करें उस चीज़ का वो लोग। और माँ बाप से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के प्रति प्यार बनाए रखें, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है, यही मैं कहना चाहूँगा। सर, क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश आपके द्वारा? कोई बहुत अच्छा लगा, मैं बलिया की धरती पर पहली बार आया हूँ और माननीय राय साहब जी का जो परिवार है
यही विचार अन्य लोग भी अनुकरण करें उनका, अच्छा लगा। धन्यवाद। क्षेत्र के लोगों ने जितना मुझे बहुमूल्य समय दिया इसका हम बहुत आभारी हैं उन लोगों के लिए जी। और निकट भविष्य में जो पिताजी मेरे कार्य करते थे यदि मुझे मौका मिलता है तो कार्य करने के लिए मैं समक्ष हूँ जी। धन्यवाद। आला में दहेज की खातिर ससुराल से निकाली गई विवाहिता की बीमारी के चलते मौत हो गई। पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटी पर उत्पीड़न करने से मौत का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। राजपुर खुर्द के चंद्रपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पुत्री सुमन का विवाह 6 वर्ष पूर्व बदायूं से थाना उझानी क्षेत्र के गांव दहमू निवासी युवक से की थी। आरोप लगाया कि पति के अलावा जेठ सास देवर विवाह के समय दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। आरोप लगाया कि दहेज के लिए ससुराल वाले उनकी बेटी का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिए, इसके चलते वह बीमारी से ग्रस्त हो गई। 15 अगस्त 2019 को ससुराल पक्ष के लोग मायके में छोड़कर गए। ससुराल वाले 1 लाख रुपया नहीं देने पर दूसरी विवाह करने की बात कहने लगे और इस बात से बेटी की और बीमारी बढ़ गई। ससुराल वालों को सूचना दी गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आर्थिक हालात की वजह से बेटी का सही उपचार नहीं हो सका, इसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी की जांच कर रही है। बरेली से हमारे संवाददाता हैडली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? क्या हुआ था? तकलीफ में थी, बीमार थी। कौन? लड़की। हाँ, फिर क्या हुआ? छोड़ गए, बीमार छोड़ गए। कहाँ छोड़ गए? यहाँ रक्षाबंधन पर। अच्छा, आपके घर छोड़ गए। फिर क्या हुआ? फिर मैं बीमार थी, हमने इलाज कराया उसका। जैसे जो कुछ हुआ, बीमार के पैसा ना कारण की वजह से मर गई लड़की। अच्छा, तो आप लोग क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं मुकदमा उन लोगों पर भैया। किन लोगों पे? लड़के पर। लड़की पर अच्छे। क्या लगता है आपको लड़की कैसे मतलब हुई एक्सपायर? लड़की पैसा की मजबूरी में एक्सपायर हुई। अच्छा, और क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो आप? अच्छा, क्या हुआ? लड़की साहब से मिलने कल आए, लाकर 1 घंटे को आए, आप जी छोड़ गए। इन्हें हुआ इलाज नहीं करवाया, हमारे यहाँ डाल गए। फिर हम पर जैसा इलाज हुआ वैसा करवा दिया, जो नहीं हुआ तो चल। की कोई तकलीफ में थी क्या? क्या बीमारी वगैरह थी कोई? नहीं। क्या था? मारपीट करते थे? मारपीट करते थे हाँ। बच्चा को वो उसके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उसे तंग दुखी ज्यादा रखते, बीमार हो जाते, इलाज नहीं कराते। काम कराते ससुराल वाले? ससुराल वाले पैसे की मांग थी 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए हम पर थे नहीं। अच्छा, इसलिए उन लोगों ने ये काम किया। प्रयागराज के थाना कैंट के अंतर्गत राजापुर में करण नाम के युवक को कुछ अज्ञात लड़कों ने चारों तरफ से घेर कर वाद विवाद शुरू किया, उसके बाद गोली मारकर बाइक पर बैठकर फरार हो गए। थाना कैंट पुलिस सीसीटीवी कैमरे की छानबीन कर रही है। पुलिस ने संज्ञान के तौर पर कुछ युवा को गिरफ्तार कर थाना कैंट ले गई। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। कैंट क्षेत्र में राजापुर क्षेत्र का मामला है। जो घायल है करण, इसका सुबह ये ठेला लगाता है चाउमीन और बर्गर वगैरह का। सुबह इसकी दुकान पे कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था, संभवतः वही लोग हैं जो दोपहर में जब ये घर से खाना खा करके वापस जा रहा था तो रास्ते में बाइक से आए थे और कहा सुनी किए, जिससे फायरिंग किया है। इसको गोली लगी है और कान के पास फंसी हुई है। हम लोग यहाँ इसका उपचार चल रहा है और इसमें FIR दर्ज कर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग इस घटना में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अभी पहचान नहीं हो पाई है, अभी ये ठीक से बता भी नहीं पा रहा है, लेकिन जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ के आसपास के लोगों से जानकारी मिल रही है और बहुत जल्दी अभी की घटना है, हम बड़ी जल्दी इसे आइडेंटिफाई करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के थाना चाक घाट के अंतर्गत स्थित आर्यवर्त हायर सेकेंडरी स्कूल बघेड़ी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चाक घाट नगर परिषद की CMO रूपाली द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में चाक घाट बालक विद्यालय के प्राचार्य अमित सिंह एवं सभा अध्यक्ष के रूप में माननीय कृष्ण मोहन पांडे BSc त्योथर उपस्थित रहे। समारोह में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस समारोह में विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम का संचालन भास्कर सर ने किया। पुरस्कार वितरण एवं अतिथियों के संभाषण के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। विद्यालय के प्रबंधक श्री विनय मिश्रा ने अंत में आभार भाषण प्रस्तुत किया।
मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता भास्कर झा की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उद्यम सिंह नगर के तत्वाधान में ग्राम सभा मजरा हसन झगड़पुरी में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन प्राधिकरण के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिले के और क्षेत्र के तमाम विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहनूर अली से हुई विशेष बातचीत के दौरान प्राधिकरण के सचिव तथा सिविल जज अविनाश कुमार श्रीवास्तव से सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़े मामलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और कहा गया कि इस न्यू मॉडल कैंप का तहसील स्तर तक जितने भी ग्राम आते हैं सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता शाहनूर अली की खास बातचीत। मैं शाहनूर अली फास्ट न्यूज इंडिया से यहाँ पर फास्ट न्यूज इंडिया की टीम पहुँच गई। आज हमारे साथ में है डिस्ट्रिक्ट जज जिला उधम सिंह नगर से, यहाँ पर झगड़पुरी में सर पहुँचे अपनी टीम के साथ। आज सर से बात करते हैं। सर आज यहाँ पर आप पहुँचे झगड़पुरी में, किस किस विषय पर वार्ता आपने आज यहाँ ग्राम प्रधान से की है और कौन कौन से मुद्दे रहे हैं? सर हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं और सिविल जज सीनियर डिवीजन कैडर के अधिकारी हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम है कि लोगों के बीच में कानूनी जानकारी को जितना हो सके उतना प्रचारित करें और लोगों को कानूनी मदद दी जाए। साथ ही साथ लोगों को मदद के रूप में उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको कैसे सुधारा जाए इस संबंध में उनकी मदद की जाए। तो हमारा डिपार्टमेंट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर महीने जनपद उधम सिंह नगर की एक तहसील में एक गांव को एक क्षेत्र को चुनता है न्यू मॉडल कैंप के लिए और उस कैंप के माध्यम से हम 35 डिपार्टमेंट 40 डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो पब्लिक वेलफेयर के डिपार्टमेंट हैं उनको पत्र भेज करके उस कैंप में आने के लिए और कैंप में सहयोग करने के लिए एडीएम नजूल साहब को पत्र भेजते हैं। उनके माध्यम से फिर जिलाधिकारी माध्यम सूचित होते हैं और खुद उस कैंप में जिलाधिकारी महोदय जिला जज महोदय ये लोग भी प्रतिभाग करते हैं और लोगों को कानूनी जानकारियों के साथ साथ उनको चिकित्सा सहायता या विधवा पेंशन के लिए वृद्धा पेंशन के लिए विकलांग पेंशन के लिए और लेबर कार्ड के लिए यानी जो लोक कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं उनको त्वरित रूप से कैसे वहीं उनको प्रदान कर दिया जाए यानी कि सरकार की योजनाओं को आम जनमानस तक सरलता से कैसे पहुंचाया जाए इस दिशा में हमारा ये कैंप होता है। तो 29 को ये सारे विभाग रहेंगे। अच्छा इसकी हम पहले से तैयारी भी करते हैं। हमारे पास हर गांव में पराविधिक कार्यकर्ता नियुक्त हैं। हम उनकी 10 पराविधिक कार्यकर्ताओं की टीम बनाते हैं और 3 दिन पहले से ही डोर टू डोर पिछड़े इलाकों में जाकर के हर गांव में हर घर में वो पराविधिक कार्यकर्ता रहता है और हर गांव को सूचित करता है कि आपके पास अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप इस दिन इस कैंप में आ जाएं, आपकी इस समस्या का निदान वहां हो जाएगा। तो ये कैंप बहुत ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, बहुत ही उपयोगी है और एक हमारी ये पहल बहुत रंग भी ला रही है। हमने इन कैंपों के माध्यम से अब तक कम से कम 10,000 लोगों की मदद कर चुके हैं इस तरह से। तो ये जो सरकार का प्रयास है ये अत्यंत सराहनीय है।
सर, जैसे कि अभी आपने सारे मुझे बताए 31 तारीख को मेगा कैंप है यहाँ पर, तो सर उसमें कौन कौन से अधिकारी उपस्थित रहेंगे और उसके साथ साथ उस समय कहाँ के लोग इस कैंप का लाभ उठा सकते हैं? इस कैंप का लाभ गदरपुर तहसील की हर जनता, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए से कम है, SC ST के हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, किसी आपदा से के शिकार व्यक्ति हैं, तो मतलब समाज का हर दुर्बल वर्ग, कमजोर वर्ग, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो न्याय तक नहीं पहुंच सकता, हमारी ये कोशिश होती है कि हम न्याय को ही उसके दरवाजे तक ले जाएं। तो इसमें जहां तक विभागों की बात है, तो DM साहब के अंडर में आने वाले सारे विभाग तो वहां रहता ही रहता है। इसके अलावा सरकार की योजनाओं को जो संचालित कर रहे हैं विभाग, वो भी रहते हैं, बहुत सारे NGO भी रहते हैं, और उसके अलावा जुडिशरी से विधिक सेवा प्राधिकरण का अपना कैंप लगता है, जिसके माध्यम से वो कानून की जानकारियां भी देते रहते हैं और लोगों का काम भी होता रहता है, और उसके लिए एक पटल बनाया जाता है प्राविधिक कार्यकर्ताओं का, वो हर शिकायत को नोट करके जो समस्या आती है फिर उसको संबंधित स्टॉल पे ले जाकर के दर्ज कराते हैं, फिर उनके फॉर्म भराए जाते हैं, और जो भी औपचारिकताएं हैं देन एंड देयर उसी समय पूरी कर दी जाती हैं, और शाम तक यदि उनको प्रमाण पत्र मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिल पाता तो विभाग उसे जो भी समय लगता है 3 दिन या 4 दिन बना करके उस सक्षम व्यक्ति तक पहुँचा देता है। धन्यवाद। मैं शाहनूर अली, फास्ट न्यूज इंडिया से। सभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।